अरे प्रिंस, तुम यहाँ पे? कल दिवाली है, आज भी काम पे आए हो? आज के दिन तो छुट्टी ले लेते। अरे सर, आपको तो पता ही है, बड़े भैया का ख्याल भी मुझे रखना पड़ता है। सोचा घर बैठ के क्या करेंगे, इसलिए काम पे आ गए। अरे हाँ सॉरी, इस बार मैं दिवाली में बोनस देना भूल गया था। ये लो। अब सर को कैसे बताएं कि हम तो बस इसलिए आए हैं ताकि वो हमें दिवाली पर कुछ पैसे दे, जिससे कि हम बड़े भैया के लिए कुछ कपड़े और मिठाइयाँ खरीद सकें। ये लो मेरी तरफ से कुछ पैसे। क्या वो कजर, इतने पैसे देने की क्या जरूरत है? अरे 1000 रुपए तो है, क्या होता है आजकल इतने पैसों से? क्या होता है मतलब? इन पैसों से हम खुद के लिए मिठाई खरीद सकते हैं। अरे इसे मैं हर साल दिवाली में पैसे देता हूँ। इनके घर पे हालत ठीक नहीं है, इनके भाई का भी इलाज यही खुद करा रहे हैं और पूरे घर के खर्चे भी अकेले चलाता है। क्यों, इसका बड़ा भाई है वो नहीं कमा सकता क्या? क्यों, इसका बड़ा भाई है वो नहीं कमा सकता क्या? क्यों बादलों की गली चांद हैरान है, क्या पता अरमानों के सब इरादे परेशान है क्यों भला। अरे भैया आप आ गए, देख छोटे मैंने तेरे लिए क्या लाया। अरे भैया इसमें क्या है? अरे छोटे तुझे पता नहीं है कल दिवाली है, मैं तो मालिक से छुट्टी भी लेके आ गया कि इस साल दिवाली भाई के साथ मनाऊंगा। अरे भैया बहुत अच्छा किया आपने, वैसे क्या है इसमें? देख छोटे कितना अच्छा कुर्ता लाया मैंने, जा जल्दी से पहन के दिखा। अरे क्या बात है भैया, अभी पहन के आता हूँ। वाह छोटे कितना प्यारा लग रहा है तू। अरे छोटे तेरे लिए मैंने छुट्टी ली और तू ये काम वाम कर रहा है, छोड़े सब। छोटे एक जरूरी बात करनी है तुझसे। छोटे तू बिना कुछ काम धंधा ढूंढ ले, अब मैं अकेला घर कब तक चलाऊंगा? अब जब तू बड़ा होगा तेरी शादी भी तो करनी पड़ेगी, तेरे पढ़ाई का सारा खर्चा बचपन से मैंने ही उठाया, अब तुझे भी कुछ कर लेना चाहिए। भैया मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोई जॉब वगैरह मिल जाएगी। ठीक है छोटे, तू फिर देख ले अपने हिसाब से। और ऐसे ही कई महीने बीत गए, मुझे जॉब तो मिली नहीं, पर भैया का एक्सीडेंट हो गया जिससे पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। क्यों बादलों की गली चांद हैरान है क्या पता। भैया तुमको समझ में नहीं आता है क्या? डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला आपको, एक्सीडेंट हुआ आपका, समझ में क्यों नहीं आता? ये छोड़ो, चलो वहां आराम करो। समझ में नहीं आता क्या भैया आपको, रेस्ट करने के लिए बोला है डॉक्टर ने और आप? क्या बोलूं मैं, अब मैं आपको बोल बोल के थक गया हूं भैया। क्या भैया क्या जरूरत है आपको काम करने की? मैं हूं ना, मैं सब संभाल रहा हूं ना। छोटे मुझे माफ कर देना। भैया इसमें आपका क्या कसूर है? छोटे मैं एक बोझ बन गया हूं तेरे लिए, ना मैं कहीं कमाने जा सकता हूँ ना खुद कुछ काम कर सकता हूँ। अब भैया आप ऐसा मत बोलो, मैं सब कर रहा हूँ ना। अब आपको पता थोड़ी था कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं सब कर रहा हूँ ना भैया। आप जल्दी ठीक हो जाओगे। ओ महाराज, कौन से ख्यालों में खोए हो? ये लो 50 रुपए, ये तुम्हारे लिए बहुत है। वैसे नौकर को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। चलो निकलो यहाँ से। क्यों बादलों की गली चांद हैरान है क्या पता अरमानों के सब इरादे परेशान है क्यों भला। आ गया तू क्या हो गया, इतना परेशान क्यों लग रहा है? अरे भैया मुझसे नहीं होगा। अब क्या नहीं होगा छोटे, क्या परेशानी है बता ना मुझे। आपको सुनना है ना तो सुनो। आपको पता है हर दिवाली मालिक कुछ पैसे देते थे जिससे मैं आपके लिए कपड़े और कुछ मिठाइयाँ लाता था, लेकिन इस बार उन्होंने भी देने से मना कर दिया। और इस महीने की जो पगार मिली थी वो तो घर के खर्चे में चली गई, और आपके इलाज पे भी तो पैसे लग रहे हैं भैया। अब मुझसे नहीं होगा यार, हार चुका हूँ मैं, अब मुझसे नहीं होगा भैया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, ये घुट घुट के भी जीना कोई जीना नहीं है भैया, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो अगर ऐसी हार मान लेगा तो कैसे चलेगा? तुझे याद है तू जब छोटा था तब पापा कहते थे कि समस्या है तो भी हमें खुश रहना चाहिए, 4 दिन की जिंदगी है, हंसते खेलते परिवार में रहना चाहिए। भगवान ने हथेली पे लकीरें दी है,
तो उसके पहले उंगलियां भी तो दी है, मतलब मेहनत ऊपर वाले ने भी लिखी है। भैया पापा के लिए थी वो 4 दिन की जिंदगी, अपने लिए नहीं है। एक एक मिनट कैसे कटता है इस गरीबी में पता है क्या? अब तो मुझे घुटन सी होने लगी है भैया। भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, लेकिन आप एक बोझ की तरह हो गए मेरे लिए। आप एक बोझ की तरह हो गए मेरे लिए। बादलों की गली चांद हैरान है क्या पता। सॉरी भैया मुझे माफ कर देना, मैंने पता नहीं आपको क्या क्या बोल दिया। कोई बात नहीं छोटे, मैं एक बोझ की तरह ही तो, एक बड़े भाई का फर्ज होता है कि वो घर का खर्चा चलाए, पर मैं तो खुद के भी खर्चे तुझसे करवाता हूँ। भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? सॉरी मैंने गुस्से में आपको कुछ गलत बोल दिया, सॉरी भैया। अरे जाने देना छोटे, हम अगले साल दिवाली मना लेंगे, एक साल नहीं मनाई तो क्या फर्क पड़ता है। अरे भैया हम क्यों नहीं मनाएंगे दिवाली, आप आराम करो मुझे कहीं जाना है। निकले सब चाहिए किसी साए में जगह। अरे ये प्रिंस कहाँ चला गया? कुछ नहीं, उसे थोड़ा जरूरी काम आ गया था तो वो चला गया। कमाल है, मुझे लगा उसे दिवाली के खर्चे के लिए कुछ पैसे देता हूँ तो बिना पैसे लिए चला गया। एक सेकंड, तुमने कुछ बोला तो नहीं ना उसे? अरे मैं क्यों बोलूंगी यार, तुम्हें मुझ पे इतना भरोसा नहीं है, उसकी मर्जी वो चला गया। देखो तुम जानती नहीं हो, मुझे अच्छे से पता है कि कैसे हालातों से गुजर रहा है वो लड़का। तुमने क्या ठेका लेके रखा है कि दूसरों का? तुम एक काम करो मेरे साथ चलो, जब खुद देखोगे ना तब समझ में आएगा। चलो अब उसकी जगह तुम खुद को रख कर देखो, एक मिनट भी नहीं काट पाओगे। कहना आसान है पर जिन पे बीतता है ना उन्हें समझ में आता, पर इसमें तुम्हारा भी कसूर नहीं है। तुमने आज तक गरीबी नहीं देखी ना, पर मैंने देखा है इसलिए मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। भगवान हमें ऐसी जिंदगी क्यों दी, ना रहने के लिए घर है ना खाने के लिए कुछ। हर रोज इसी उम्मीद से उठता हूँ कि आज अच्छा होगा, और फिर पता चलता है कि मेरा तो हर दिन एक जैसा है, बस जीने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। पता नहीं हमारा वो दिन कब आएगा जब हम भैया को खुश रख पाएंगे, शायद हमारी किस्मत में नहीं है। क्यों बादलों की गली चांद हैरान है क्या पता, अरमानों के सब इरादे परेशान हैं। भैया यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों बादलों की गली। अरे तुम यहाँ पे थोड़ा देखो ना गाड़ी को क्या हुआ। आप हटिए भैया मैं देखता हूँ। अरमानों के सब इरादे परेशान हैं क्यों भला ऐ दिल बता। भैया एक बार स्टार्ट करके देखिए ना गाड़ी। अरे वाह ये तो स्टार्ट हो गई। अरे भैया आप भी खामखा परेशान हो रहे थे, छोटी सी तो प्रॉब्लम थी बस, पता नहीं मुझसे क्यों नहीं हो रही थी। चल ठीक है चलो 2000 रुपये मेरी तरफ से। अरे रख भी लो भाई, और हाँ हैप्पी दिवाली। भैया इतने सारे पैसे की क्या जरूरत थी, हम नहीं रखेंगे इतना। अरे प्यार से दे रहा हूँ मेरे भाई, रख लो। और कुछ कपड़े भी लेके आए मैंने तुम्हारे लिए। सॉरी मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत गलत बोल दिया। अरे मैडम आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं, हमें पता आपने गुस्से में बोल दिए होंगे उस दिन। भाई पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है भैया? एक्चुअली हमारे घर पे कोई नहीं है, सब कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं, और कल दिवाली है तो हम सोच रहे थे कि हम तुम्हारे घर पे चले, मतलब दिवाली भी मनाना हो जाएगा और हमें अच्छा भी लगेगा, है ना काजल? हाँ क्यों नहीं, मैं भी यही सोच रही थी। देखा भैया ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे घर चल सकते हो, लेकिन मेरा घर उतना बड़ा नहीं है। अरे भाई बड़ा घर होने से क्या होता है, तुम्हारा दिल तो बड़ा है ना। अभी गाड़ी में बैठने के लिए बोलना पड़ेगा। अरे नहीं भैया आ रहा हूँ। भैया ये ही हमारा घर। तो ये है आपका घर? जी। अच्छा है, अब चलिए मैं आता हूँ। बादलों की गली चांद हैरान है क्या पता,
अरमानों के सब। छोटे कौन है ये लोग? भैया ये मेरे मालिक हैं जिनके यहाँ मैं काम करता हूँ। नमस्ते भैया। यार आप इतने शांत क्यों हो? कल दिवाली है, ये देखो ये सब हम तुम्हारे लिए क्या है। भैया इसमें कुछ मिठाइयाँ हैं, कुछ कपड़े हैं, हमसे जितना हो पाया। अरे भैया इस सब की क्या जरूरत थी? अरे यार तुम ज्यादा इमोशनल मत हो, मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ। क्या दौर आया है, एक तरफ अमीर सोचता है कि आज कितना सोना खरीदे और एक तरफ गरीब सोचता है कि आज कहाँ सोना है। इस दिवाली किसी की मदद जरूर करें, ना जाने कितने रुपए के लोग पटाखे चला देते हैं, मगर उन पैसों से किसी गरीब की दो वक्त की रोटी आ जाएगी और किसी के चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली।